दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जमीनी विवाद के चलते राजा का तालाब में खेहर के 20 वर्षीय युवक का मर्डर कर दिया गया। मृतक के चाचा सोमराज ने बताया कि उनका भतीजा अजय माता पिता और बहन के साथ राजा का तालाब से अपनी गाड़ी में घर की तरफ जा रहा था। इसी बीच पड़ोसी ने रास्ता रोककर अजय की गाड़ी तोड़ी और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में अजय कुमार को सड़क में पटक कर मारने के कारण मौत हो गयी, जबकि परिवार के सदस्य घायल हो गए। एएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि झगड़े में अजय कुमार घायल हो गया, जिसे तुरंत निजी अस्पताल और फिर नूरपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और जो मेरा छोटा भाई अजय कुमार, उसकी हत्या कर दी गई है। और मैं बस ये चाहता हूं कि उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं घर पे नहीं था, मैं घर पे होता तो मेरा भाई अजय जिंदा होता। अगर इसके अगर मैं घर पे होता तो मेरा भाई जिंदा होता, ठीक है। उन्होंने मेरे ना होने के कारण मेरे भाई की हत्या कर दी। और जैसे वो गाड़ी से बाहर निकला, उसकी बीवी और उसके पति ने और उसकी बेटी ने रल मिलकर मेरे भाई को मार दिया है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे इनकी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम जो सोमराज है, हुआ क्या, मेरा भाई और भरजाई और जो लड़का अजय कुमार है जिसकी डेथ हो गई, जो मारा था उन्होंने, जो बाजार गए थे कुछ सामान लेना, सामान लेने की लड़की का रिश्ता गया था उन्होंने, तो वो चाचे हाड़े का लड़का, उसने किया कि यार रास्ते में दो मुंड खड़े कर दिए और जैसे हमारा भाई नीचे उतरा उसने लाठी की उसकी लात को मार दिया। उसके बाद वो छुड़ाने लगे, छुड़ाते छुड़ाते जो लड़का था उस वो निकला गाड़ी से, उसको सड़क से फोड़ के, सर से पकड़ के सड़क में फोड़ के उसको मार दिया। तो सुभाष चंद्र, सुनीता देवी, प्रिया देवी, नितिन कुमार, ये बंदे थे। लड़ाई किस वजह से हुई है जैसा? लड़ाई रास्ते के लिए, रास्ता सरकारी है जी। ये पहले भी हुई थी लड़ाई? लड़ाई पहले नहीं हुई थी, लड़ाई एक बार पहले हुई थी उसी उनके पाप की। मेरे पिताजी को उसने तब भी रास्ते के लिए उसकी टांग तोड़ी है एक जी। वो भी केस चला है उसका भी, अभी तक कुछ नहीं उन्होंने किया। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, नूरपुर वालों ने, रहने वालों ने कुछ नहीं किया है अभी तक। तो ये लड़का अजय कुमार 21 साल का, इसको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। कल शाम के वक्त हॉस्पिटल रहन से, पुलिस चौकी रहन में इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ लोग जो है वो आपसी स्कफल में घायल होकर हॉस्पिटल में आए हैं, जिस पर पुलिस वहाँ गई थी। उसके बाद जो लोग स्कफल में वहाँ पे इंजर्ड हुए थे उनको डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल नूरपुर के लिए रेफ़र कर दिया था और हमारी पुलिस पार्टी उनको नूरपुर हॉस्पिटल लेके आई थी। जब वो नूरपुर हॉस्पिटल पहुँचे तो उनमें से एक व्यक्ति जिसका के नाम अजय कुमार है और उसकी उम्र 21 वर्ष की थी, वो मृत घोषित कर दिया गया। उसके उपरांत जो उसके परिजन थे, उसके फादर का स्टेटमेंट पुलिस ने लिखा है और उसके फादर के स्टेटमेंट के ऊपर थाना नूरपुर में 302 के तहत केस रजिस्टर कर दिया गया है। और उसके फादर, डिसीज्ड के फादर और उसकी मदर जो भी उस स्कफल में घायल हुए थे उनका भी मेडिकल करवाया गया है। और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने FSL की टीम को भी बुलाया है, आज FSL की टीम भी मौका कर ली है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस जिसके भी खिलाफ हमारे पास सबूत आएंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रीलिमिनरी स्टेज पर चल रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुलियाली से संजीव महाजन की रिपोर्ट। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोहनपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि DDM कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि DDM में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।